हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये हम आज इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें, ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर सके। सबसे पहले हम रून से देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट अ सेकेंड, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ऐसा, जस्ट अ सेकेंड, एवास। तो ले लिए हैं मैंने रूंस, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी, उनके सब कॉन्शियस माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, रीडिंग की शुरुआत पर्थों से हुई है और एंड ऐसा पे हुआ है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि एनर्जेटिकली आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव वाइब्स में है। इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। साथ ही साथ ये अकेले में है। जब इंसान हर्मिट मोड में होता है, आइसोलेशन में होता है, अकेले में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट करता है, ओवरथिंकिंग की वाइब्स होती है और अपने आप से जुड़ सकता है, अपने आप से जुड़ पाता है, अपने इंट्यूशन को सुन पाता है। तो यहाँ पर ऐसा इन पर्थों साथ में है, इसका मतलब कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और नई शुरुआत के पहले एक साइलेंस से गुजर रहे हैं, ये इनकी एनर्जी में है। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर इन्हें एक्शन लेना है तो इन्हें कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करनी होंगी। आप दोनों के बीच में जो भी बाउंड्री है उसे पहले रिमूव करना होगा, चाहे ये बाउंड्री आप दोनों ने ही बनाई हो या यहाँ पर कोई अदर सिचुएशन इन्वॉल्व हो। साथ ही साथ मैसेजेस या कॉल्स आपको आ सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। जो भी रास्ते बंद थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी आप तक पहुंचने के रास्ते थे, अगर उसमें कोई ब्लॉकेजेस था, कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर वो ब्लॉकेजेस और वो प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन देखिए, यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ पर सन की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी मैस्कुलिन और अपनी फैमिलिन एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल करके एक प्रॉपर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। यरा की एनर्जी है, यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखेगा। अगर आपका कमिटमेंट का प्रॉब्लम है या आपका यूनियन का इशू है या आपका मैसेज का इशू है या आप लोग की मुलाकात नहीं हो रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आने वाले समय में आपके पर्सन आपको उसका क्लियर आंसर देने वाले हैं। मीन्स आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लैरिटी मिलने वाली है। फिलहाल जब तक ये सिचुएशंस चल रही हैं तब तक आपको लेट गो करना है, क्योंकि आपके पर्सन भी जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में हैं। यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है, काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोगों का रिश्ता ऑलमोस्ट एंडिंग वाली सिचुएशन पे है, या तो ब्रेकअप चल रहा है या ब्लॉक सिचुएशन है, या तो इन्होंने क्लियरली आपको कह दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशन बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है, लेकिन इसके बाद भी ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर ये बोल चुके हैं कि सब कुछ ख़त्म है, इनके दिल से आप नहीं निकल रहे हो, और इन्हें ये भी पता है कि आपके दिल से भी निकलना इतना ईजी नहीं है। सो ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, आने वाले समय में कुछ ऐसे डिसीजंस ये ले सकते हैं या ले सकती हैं जिससे कि आप दोनों का यूनियन हो। यहाँ पर बरकाना की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, न्यू वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है।
तो आप लोगों की लाइफ में अभी चाहे जो भी इश्यूज़ हो, आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ों पर ये वर्कआउट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी इस वक्त आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियसली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पूछ पूछ के ही लेंगे हम कार्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लेकर मैं पूछूंगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स जो मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्या उन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विद सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द विच। यहाँ मजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई स्मॉल जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है और बहुत जल्द रिसीव हो सकता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। द फूल की एनर्जी है, बिल्कुल। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक बड़ा शिफ्ट, एक बड़ा चेंज, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। कब तक आएगा ये चेंज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, कितना टाइम लग सकता है। सेवन से रीडिंग की शुरुआत भी हुई है, एंड वी हैव सेवन ऑफ चैलिसेस विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन सेवन डेज, विद इन सेवन आवर्स, विद इन 25 आवर्स, विद इन 70 आवर्स, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन देखिए आपको लेकर पोजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, ये एक रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ले लें और सब गुड़ गोबर कर दें, ऐसा नहीं चाहते। ये सोच सोच कर डिसीजन, फूक फूक के कदम रखना कहते हैं ना, वो वाली वाइब्स में है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएटली क्या एक्शन आपको देखने मिलेगा। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा एंजल्स। अगेन नंबर सेवन मीन्स इट्स थर्ड टाइम, तो डेफिनेटली आपके पर्सन सात नंबर इम्पॉर्टेंट है। सेवन आवर्स के अंदर, 23 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है। क्या कोई और कार्ड आना चाह रहा है, नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग सेवन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन क्वीन ऑफ एयर विद क्वीन ऑफ एयर विद क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी में है, मींस ये बाहर से दिखा रहे हैं कि ये शांत हैं, एटीट्यूड में हैं, ईगो में हैं, नाराज़ हैं, इस तरह की वाइब्स, बट अंदर ही अंदर इनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। आपको लेकर बहुत लविंग एनर्जी में है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, इंट्यूटिवली टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट रहना, इस तरह की वाइब्स है। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी है उसको ये बात पता चल चुकी है या आने वाले समय में पता चल जाएगी कि आपके पर्सन की लाइफ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये किसी के भी कारण आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये इस रिश्ते पे वर्कआउट करना चाहते हैं, चाहे कितना भी एफर्ट्स इन्हें लगाना हो ये पीछे नहीं हटेंगे, इस तरह की वाइब्स है। सो यहाँ पर बहुत अचानक से एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने मिलेगा, और ये जो शिफ्ट है ये मोस्ट प्रॉब्ली 25 आवर्स के अंदर, सात नंबर है, आपसे रेजोनेट कर सकता है। स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि बैलेंस में रहिए, बिल्कुल भी अपना बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रहण की भी वाइब्स है, और ग्रहण की वीडियो कल आपको मिलेगी। ऑलरेडी मैंने सोलर इक्लिप्स पे इस चैनल पे राशि के अकॉर्डिंग वीडियोस डाल दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कोई गाइडेड मैसेज है। पहला मैसेज है, अपने आप को सिक्योर रखो, नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तभी जब आप डिवाइन को याद करेंगे। तो डिवाइन को याद करने के लिए मेडिटेशन आप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, रिचुअल का कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पर अगर आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये नेगेटिव एनर्जीज़
प्रोवोक नहीं कर पाएंगी, अदरवाइज इसका इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। आने वाले समय में कुछ स्टेबल रिलेशनशिप्स आपको देखने मिलेंगे। आपके लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ सॉलिड कमिटमेंट्स आपको मिल सकते हैं। लास्ट कार्ड है सीक्रेट्स। आने वाले समय में इस ग्रहण के बाद कुछ सीक्रेट्स भी आपके सामने आएंगे, मतलब आपको रियलिटी पता चलेगी। काफ़ी गाइडेंस आपको टैरो के माध्यम से एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते रहिए, अपने एंसेस्टर्स को मत भूलिए, अपनी जो भी आपकी रूटीन्स है, रिचुअल्स है, उसको फॉलो कीजिए। और हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जब भी न्यू मून हो, फुल मून हो या ग्रहण हो, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते रहा कीजिए, चाहे आप कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या बहुत इंटेंस एनर्जी में हैं, बहुत गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपने आप को उस समय पर बैलेंस करना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। किसी भी न्यू मून, फुल मून या ग्रहण के टाइम पे आप मेरे स्पेल्स भी ट्राई कर सकते हैं, 15 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन कभी भी लॉजिक के साथ कोई भी स्पेल मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप भगवान के साथ लॉजिक यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करता। हमेशा पूर्ण सरेंडर भाव से आप काम कर सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।